इसे हम चला करके भी दिखाएंगे, बने रहें। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यह धान का दौनी करने वाला थ्रेसर है या धान को झाड़ने वाला थ्रेसर है, जो कि होममेड है, खुद इन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, ट्रैक्टर नॉर्मल कोई भी ट्रैक्टर हो उसके माध्यम से आप चला सकते हैं। देखिए इसका, इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ जो ये फट्ठा रखा हुआ है, इस पर आप धान रख सकते हैं और धान का बोझा खोल करके इसके अंदर डालने के लिए ये टॉप भी लगाया गया है। और देखिए इसका मैं एक खासियत आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या खासियत है। ये देखिए यहाँ से जब ये फेंट बेल्ट चलता है तो इसका जो ये जाली है सो अप डाउन करता है, ताकि अंदर फंसे हुए दाना नीचे इस होकर के निकल जाए। और देखिए इसमें एक फ्लैबिल लगाया गया है ताकि बैलेंस में चले। उसके बाद देखिए इधर से जो है सो धान का जो भूसी होता है वो निकलता है। इसमें देखिए ये पंखी लगाया गया है और आप देख सकते हैं नीचे इसका चलने का ऑप्शन दिया गया है। और देखिए इसके माध्यम से जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो धान का जो पुआली होता है वो निकलता है। और इसको निकालने के लिए जैसे कि आपने उस तरफ देखे तो उसमें आपको पंखी नज़र आएगा, क्योंकि उससे धान की भूसी निकलता है और इधर से धान का जो पुआली होता है वो निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए इसमें चेंजर टाइप का बनाया गया है, मतलब आधे इंची पत्थर का 1 2 3 4 इधर से दिया गया है और इसमें कुल 4-5 ब्लेड लगाया गया है, मतलब 4-4 करके, ताकि पुआल को अंदर से खींच करके बाहर फेंक सके। और देखिए यहाँ पे ये जो है सो वी बेल्ट के पुली के माध्यम से इसको चलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 वी बेल्ट लगा हुआ है और इसमें जो आप देख रहे हैं 1 2 3 अभी बेल्ट चला रहा है। आप 4 बेल्ट भी चला सकते हैं, लेकिन 4 बेल्ट जब इधर लगाइएगा तो इधर आपको 4 बेल्ट का भी पुली होना चाहिए। और इधर वायरिंग का भी यूज किया गया है हर एक जगह, जैसे कि आम ट्रैक्टरों में, थ्रेसरों में किया जाता है। और यहाँ देखिए आपको कपलिंग जोड़ने का भी ऑप्शन है, आप इधर ट्रैक्टर से डायरेक्ट एक कपलिंग जोड़ करके आप यहाँ चला सकते हैं। इसको देखिए, अगर आपका हाइट कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे देखिए नट बोल्ट का सिस्टम है, आप इसको ऊपर उठा भी सकते हैं ताकि आपको जिधर ले जाना हो, और फिर नीचे भी कर सकते हैं, तो सारा ऑप्शन है। और यह बहुत ही अच्छा है, ये तकरीबन 5 दिन ट्रायल करने के बाद हम इसका वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखते हैं कि खुद ये हाथों से ही रंग पेंट किया गया है, जो कि अपने प्रेशर मशीन से किया जाता है। और हर एक चीज़ आपको पुराना मिलेगा, इसमें केवाड़ के लोहा से ही इसको बनाया गया है, सिवाय नट बोल्ट और वायरिंग छोड़ करके बाद बाकी सारा चीज़ केवाड़ से ही लाया गया है, पुराना लोहा का ही है। आप टायर भी देख सकते हैं, इसमें जो लगा हुआ है वो भी पुराना ही है। और इसका सारा सिस्टम है, ये जब अप डाउन आगे पीछे करता है चलने के बाद, तो इसमें जो दाना यहाँ फंसा हुआ आप देख रहे हैं धान का, ये सारे नीचे चले जाता है और इसके जो डस्ट होता है, गंदगी होता है, उसी चालन के द्वारा नीचे आ जाता है। तो आप देखिए, और ये बेहतरीन लुकेट बेहतरीन है, और इस एक बार अगर आप बनाते हैं तो कई साल तक इसको आप अगर चलाते हैं तो कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस तरह का थ्रेसर बनवाना हो तो हम अपने चैनल पे आपको नंबर दे देंगे, जो कि आप हमारे इंजीनियर से बात करके आप इसको बनवा भी सकते हैं, और यह काफ़ी कम प्राइस में बना करके दे देंगे। तो चलिए कारीगर से मिलते हैं। देखिए यही इंजीनियर है, इन्होंने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। आप ही बनाए इनको? तो चलिए थोड़ा सा माइक इसके सामने हम दे रहे हैं और फिर बात करते हैं इनसे। आप ही इस थ्रेसर को बनाए हैं? हाँ, हम ही बनाए हैं थ्रेसर को। अच्छा, इसको बनाने में लगभग कितना खर्च बैठ जाएगा? इनको बनाने में 75,000 खर्च बैठ जाएगा इसमें। ये बोल रहा है इनको बनाने में 75,000 रुपया इन्वेस्ट होता है। अगर आप पुराना लोहा का बनवाना चाहिएगा तो कम में ही बना देगा, अगर पुराना लोहे से कोई बनवाना चाहे तो कम में बन जाएगा। तो तकरीबन इसका कहना है कि आपको 20 से 25 हज़ार के अंदर में ये बन जाएगा। तो हम इसका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वीडियो के ऊपर में भी चलता रहेगा। अगर आपको बनवाना हो तो आप इससे संपर्क करें,
कितना दिन में बना के दे दीजिएगा? 8 दिन में। इनका कहना है कि 8 दिन में हम बना करके दे देंगे। तो चलिए, क्योंकि इनका एक भाई था जिन्होंने देसी जुगाड़ बाइक पे बनाया था, उनका भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जिसपे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और ये थ्रेसर वगैरह बना रहे हैं जो देसी जुगाड़ के तहत बनाते हैं। खुद अपने पास सारा सामान अवेलेबल रहता है, इसके पास सारा सामान अवेलेबल रहता है। अगर आपको जैसा मॉडल बनवाना हो, चाहे आपका धान का हो, गेहूँ का हो, मक्का का हो, सबका बनाते हैं ना, सबका बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। कम से कम दोस्तों इस पे 1K लाइक मिलना चाहिए। धन्यवाद।